फ्री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज के इस लेक्चर में हम लोग भारतीय वित्त व्यवस्था के अंतर्गत जो है पूंजी बाजार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो है मुद्रा बाजार के बारे में अध्ययन किया हुआ था। बेसिकली मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के बीच में यही अंतर होता है कि यहाँ पर दीर्घकालीन जो है वित्त का जो है लेन देन जो है किया जाता है। तो ऐसे मार्केट जहां पर दीर्घकालीन जो वित्त के लेन देन के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है वह बाजार जो है वो आपका पूंजी बाजार होता है। मुद्रा बाजार में जो है छोटी आवश्यकताएं कम समय के लिए आवश्यकताएं उसमें परिवर्तन का स्वरूप दिखाई पड़ता है, लेकिन जो पूंजी बाजार होता है एक अस्थायी दीर्घकालीन होता है, इसमें परिवर्तन की गुंजाइश बहुत जल्दी नहीं होती है। तो इस तरीके से जो है पूंजी बाजार एक अस्थायी दीर्घकाल के लिए वित्त के लेन देन के लिए जो है ये प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का जो एक बाजार होता है। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था भारतीय वित्त व्यवस्था के अंतर्गत दो प्रकार के जो बाजार होते थे, एक जो है मुद्रा बाजार होता था और दूसरा जो है पूंजी बाजार। तो हम लोगों ने मुद्रा बाजार के बारे में जो पढ़ लिया था जहां पर अल्पकालिक वित्त के लेन देन के कार्य किए जाते थे, और पूंजी बाजार में वहीं पर दीर्घकालीन ऋण के लेन देन के लिए जो है प्रतिभूतियों का सिक्योरिटीज का जो है क्रय विक्रय किया जाता है। प्रतिभूति यहाँ पे एक शब्द है आता है बार बार जो है प्रतिभूति, जिसको अंग्रेजी में जो है सिक्योरिटी कहा जाता है, सिक्योरिटी जो है इसको कहा जाता है। प्रतिभूति का तात्पर्य एक ऐसा प्रपत्र या एक ऐसा जो है दस्तावेज होता है जहां पर ऋण लेने और देने वाले का जो है विवरण लिखा जाता है, ऋण की शर्तें लिखी जाती हैं, ब्याज की दर लिखा जाता है और ऋण की जो मात्रा इत्यादि लिखी होती है, और वो दोनों पक्षों के तरफ से जो है सहमति पत्र भी जो है कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के इन प्रतिभूतियों के सिक्योरिटीज के जो माध्यम से जिसमें विभिन्न प्रकार की शर्तों इत्यादि का उल्लेख होता है, जिसके माध्यम से दो पक्षों के बीच में ऋण का लेन देन किया जाता है से संबंधित गतिविधियां यहाँ पे जो है संपन्न होती हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त वित्तीय बाजार के जो है अंतर्गत, वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत जो पूंजी बाजार के रूप में दीर्घकालीन ऋण के लेन देन से संबंधित जो है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, और प्रतिभूति क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है, ये चीज आप लोगों ने देखा। तो हम लोग जो है पूंजी बाजार को जो देख रहे थे, अब चूंकि पूंजी बाजार में दीर्घकालीन ऋण या बहुत बड़ी मात्रा में ऋण जो है सम्मिलित होती है, पूंजी का तात्पर्य जब कोई व्यक्ति पूंजी का नाम लेता है तो उस समय एक बात दिमाग में आती है कि कोई बड़ा बिजनेस व्यापार, जैसे जब कोई फर्म स्थापित होती, कोई उद्योग धंधा स्थापित होता है, तो बेसिकली वहां पर जो है पूंजी की आवश्यकता होती, तकनीक की आवश्यकता होती, श्रम की आवश्यकता होती, साहस की आवश्यकता होती, कुल मिलाकर के उद्योग के जो आधारभूत जो इकाइयां होती हैं उनमें से पूंजी एक जो होता है। इसलिए जो है पूंजी की जब बात की जाती है तो हमेशा दीर्घकालीन एक बड़ी मात्रा में पूंजी की बात जो है निकल करके जो है सामने आती है। क्योंकि जब उद्योग धंधे स्थापित होते हैं तो वहां पर बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता जो होती है, अर्थात जो है यहाँ पर जो कंपनियां या उद्योग धंधे जो है अपने उद्योग को स्थापित करने के लिए जो है पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शेयर जारी करते हैं, यानी कि शेयर के माध्यम से पूंजी को एकत्रित करते हैं, वहां पर जो है इस पूंजी बाजार की गतिविधियां जो है सामने आती हैं। तो चूंकि कंपनियों के द्वारा या विभिन्न उद्योग औद्योगिक घरानों के द्वारा जो है पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शेयर जारी किया जाता है, अपने शेयर को बेचा जाता है, जिससे किसी अन्य पक्ष को उतना स्वामित्व उस कंपनी में प्राप्त होता है, तो इसलिए जो है इस पूंजी बाजार में जो है शेयर का क्रय विक्रय बहुत अधिक होता है, और इसी कारण से इस पूंजी बाजार को शेयर बाजार भी जो है कहा जाता है, शेयर बाजार भी जो है कहा जाता है, पूंजी बाजार को जो है शेयर बाजार भी जो है कहा जाता है। अब शेयर बाजार जो है मूलतः जो है वो दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और जो है द्वितीयक। जैसे हम लोगों ने जब मुद्रा बाजार का जो है अध्ययन किया हुआ था तो वहां पर जो है मुद्रा बाजार भी ऑर्गेनाइज्ड एंड जो है अनऑर्गेनाइज्ड में बटा हुआ होता था, यानी कि असंगठित और संगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र बिना लिखा पढ़ी के उच्च ब्याज दर पर मनमानी तरीके से जो व्यवस्थाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित होती थी, ज्यादातर साहूकार और महाजन सम्मिलित होते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी दो प्रकार की जो है चीजें दिखाई पड़ती हैं,
एक जो जो प्राथमिक क्षेत्र होता है और एक जो है द्वितीय क्षेत्र होता है। पूंजी बाजार में दो प्रकार के जो है बाजार आते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। अब प्राथमिक बाजार से तात्पर्य क्या है कि जब कोई भी कंपनी जो है अपने पूंजी को एकत्रित करने के लिए पहली बार शेयर जारी करती है, यानी कि सिक्योरिटी या इसे कहे जाए प्रतिभूतियां जब पहली बार निकल करके सामने आती हैं। अब चूंकि प्रतिभूतियों में जो है शेयर और कई प्रकार के जो है पत्र जो सम्मिलित होते हैं, इसलिए हम इन सभी चीजों को मिला करके प्रतिभूति ही शब्द जो है सामान्य रूप से बोलते हैं और लिखते हैं। क्योंकि आगे चलकर हम देखेंगे कि दोनों दो तीन प्रकार के जो प्रतिभूतियों के प्रकार हैं उसमें किस तरीके से उनके स्वरूप में, उनके कार्य में, उनके प्रभाव में अंतर होता है। तो जब किसी भी जो कंपनी या उद्योग के द्वारा अपनी पूंजी को जो प्राप्त करने के लिए पहली बार कोई प्रतिभूति जारी की जाती है खरीद और बिक्री के लिए जो है, तो वहां पर उस बाजार को प्राथमिक बाजार के नाम से जो है जाना जाता है। और जब कंपनी इस तरीके से पहली बार कोई जो है प्रतिभूति जारी करती है तो उसे जो है आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसके माध्यम से जो है वह कंपनी जो है अपने औद्योगिक कार्य के लिए पूंजी प्राप्त करती है या पूंजी की जो है उगाही जो है करती है, तो ऐसे जो है बाजार को प्राथमिक जो है बाजार जो है कहा जाता है। अब इसमें जो है कई जो है तरीके होते हैं जिसके द्वारा जो है आईपीओ जारी किए जाते हैं और कोई भी जो कंपनी जो है पूंजी एकत्रित करती है। जैसे जब हम यहाँ पर थोड़ा सा ये सब चीज़ें टेक्निकल होती हैं, चीज़ों को समझने के लिए आपको उदाहरणों का भी सहारा लेना पड़ सकता है या बार बार उस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, व्यवहार में न्यूज़ में चीज़ों से जो तुलना करेंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में अपने आप आती रहेंगी। जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं उन कंपनियों में शेयर होता है, लोगों के शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं, तो उन शेयर मार्केट्स के माध्यम से उन कंपनियों तक जो है वो पैसा जो है पहुंचता है। इसीलिए कोई एक व्यक्ति के द्वारा इतनी बड़ी जो है कंपनी नहीं खड़ी की जा सकती है। बहुत बड़ी कंपनियां जो है सामान्यतया विभिन्न पक्षों के द्वारा, विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा लिए गए शेयर और उससे जुटाए गए और उगाही किए गए जो धन को मिला करके बनती हैं। तो इस तरीके से जो है प्राथमिक बाजार में जो है कंपनियां पहली बार जो है पूंजी प्राप्त करने के लिए अपनी सिक्योरिटी या अपनी प्रतिभूतियों को जारी करती हैं और इसके माध्यम से जो है धन प्राप्त करती हैं। तो ये प्राथमिक बाजार होता है। अब इसमें जो है कई माध्यम होते हैं जो है आईपीओ जारी करने के, जो है प्रॉस्पेक्टस है, राइट इशू, बोनस और निजी क्षेत्र। जब जो है कोई भी कंपनी आईपीओ जारी करके जनता से जो है धनराशि की उगाही करता है तो वो प्रॉस्पेक्टस कहलाता है। और राइट इशू का मतलब यह होता है कि जो शेयर धारक उस कंपनी में पहले से बने हुए हैं उन्हें नया जो है शेयर निर्गमित करना या सिक्योरिटी के माध्यम से उनसे जो है धन की जो है उगाही करना या धन जो है प्राप्त करना, धन या पूंजी की जो है उस कंपनी के लिए व्यवस्था करना, तो वो राइट इशू कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी कंपनी में 2000 जो है पहले से शेयर होल्डर हैं, शेयर धारक हैं और पहले ही उन्होंने शेयर खरीद करके उस कंपनी में जो है अपना धन पूंजी लगा दिया है, तो उन्हीं को जो है अगर निर्गमित किया जा रहा है आईपीओ या उन्हीं को जो है सिक्योरिटी बेची जा रही है, प्रतिभूति बेची जा रही है जिसके माध्यम से उनको पूंजी मिल रही है, तो वह स्थिति राइट इशू कहलाता है। बोनस का मतलब जो है जब कंपनी को लाभांश होता है, कंपनी को जो शेयर धारक है, जो कंपनी लाभ प्राप्त करती है उसका शेयर उनको उसी अनुपात में मिलता है जिस अनुपात में वो पूंजी पैसा लगा चुके होते हैं। तो जब लाभांश को जो है शेयर के रूप में जो है उन्हीं शेयर होल्डर को जो है जारी कर दिया जाता है तो वो जो है बोनस का एक तरीका होता है, बोनस कहलाता है। निजी क्षेत्र को चुनिंदा क्षेत्रों को भी जो है कंपनियां कभी कभी जो है शेयर जारी करती हैं तो वो चीजें कहलाती है निजी क्षेत्र। तो कुल मिलाकर का आपने देखा कि पहली बार जो है पूंजी एकत्रित करने के लिए जो कंपनियां जो आईपीओ जारी करती हैं और आईपीओ या प्रतिभूतियों की बिक्री करने के कई जो है माध्यम होते हैं, इनके माध्यम से जो है पूंजी की व्यवस्था जो है वो कंपनी या फर्म करती है जो है।
और इसमें जो है कोई भी कंपनी है, फर्म है, वित्तीय मध्यस्थ है, वो आईपीओ जारी करके जो है पूंजी की व्यवस्था जो है करते हैं। विदेशों में ये चीजें जो है एडीआर जीडीआर के रूप में जो है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट और इसी तरीके से ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट जारी किए जाते हैं, जिसके माध्यम से जो है धन प्राप्त किया जाता है, पूंजी की व्यवस्था की जाती है, पूंजी की व्यवस्था यहाँ पर जो की जाती है। तो ये जो है प्राथमिक जो है मार्केट के रूप में कहलाता है। चीजें जो है अपने स्वरूप में तकनीकी प्रकार की हैं, तो इसलिए इस पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, उसके बारे में सोचने मंथन करने की आवश्यकता है, और एक दो बार पढ़ने के बाद चीजें आपको क्लियर होती हुई जाएंगी। और विशेष करके परीक्षा अगर आपको देना है तो डेफिनेटली चीजों को कुछ ना कुछ टफ होंगी, उसे भी पढ़ना होगा। और जब कुछ नई चीजों को आप पढ़ेंगे, कुछ टफ चीजों को पढ़ेंगे, तभी आप में ज्ञान में वृद्धि होगी। अगर उसी प्रकार की चीजें या आपको सरल महसूस होने वाली ही केवल चीजें पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो ज्ञान की सीमा है वो निश्चित ही रहेगी। इसलिए कुछ ना कुछ चैलेंज, कुछ ना कुछ इनोवेशन, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम आपको करते रहना होगा। तो डेफिनेटली जो है ये प्राथमिक सेक्टर का काम है। द्वितीय बाजार, जब कोई सिक्योरिटी या कोई प्रतिभूति पहले से ही जो है किसी कंपनी के द्वारा, किसी वित्तीय मध्यस्थ के द्वारा जारी की जा चुकी हो और पुनः उसका जो है क्रय विक्रय जो होता है, तब वह द्वितीय बाजार कहलाता है। अब ये कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि कोई भी कंपनी जब पहले पूंजी एकत्रित करने के लिए जो है अपना शेयर जारी कर चुकी होती है और फिर से जो है उसका जो है खरीद बिक्री होता है उस प्रतिभूति की, अब प्रतिभूतियों में कई चीजें आती हैं, तो वह जो है द्वितीयक मार्केट कहलाता है। और ये द्वितीयक मार्केट के समस्त कार्य जो है स्टॉक मार्केट के जो है माध्यम से होता है, और वह स्टॉक मार्केट जो है नियमानुसार जो है सूचीबद्ध होती है, वह स्टॉक मार्केट जो है कानूनी रूप से जो स्थापित होती है। तो कहने का तात्पर्य यह होता है कि द्वितीयक बाजार में जो है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय जो स्टॉक मार्केट के माध्यम से जो है संपन्न होता है। इसीलिए कई बार जो है द्वितीयक बाजार को जो है स्टॉक मार्केट के नाम से भी जो है जाना जाता है, द्वितीयक बाजार को स्टॉक मार्केट के रूप में भी जो है जाना जाता है, स्टॉक मार्केट एक संगठित ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है, एक व्यवस्थित बाजार होता है, जहां पर जो है विभिन्न प्रकार की कंपनियां और वित्तीय मध्यस्थ के द्वारा पूर्व में जो है जारी किए गए जो है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। यानी प्रतिभूतियों के तौर पर वही शेयर इत्यादि से ही है, वो पहले जारी कर चुके होते हैं और पुनः उनका खरीद बिक्री होता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और आता है कि जब वो पहले जारी किया जा चुका हो और किसी ने खरीद लिया है उसको, तो उसने एक बार पैसा दिया है, अब फिर से उसका खरीद फरोख्त हो रहा है, तो अब कंपनी को पूंजी नहीं, इससे पूंजी वृद्धि नहीं होती है, बल्कि इसके जो है स्वामित्व में परिवर्तन होता है। यानी कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज का चैनलाइजेशन होता है उसका किसी दूसरे व्यक्ति को जो है स्वामित्व दिया जाता है, लेकिन पूंजी तो पहले ही कंपनी में लग चुकी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मार्केट बढ़ रहा है या घट रहा है, शेयर के बिक्री और शेयर के जो है खरीद इत्यादि से भी जो मार्केट में उछाल आता है या जो है गिरावट दर्ज की जाती है, जब संभावनाएं आगे बढ़ती हैं, बाजार स्थिर होता है, राजनीतिक व्यवस्थाएं जो है स्थिर होती हैं और तकनीकी या राजनीतिक किस्म की जटिलताएं नहीं होती हैं, तो वहां पर जो है शेयर खरीदे जाते हैं और शेयर के मूल्य बढ़ते हैं और बाजार विश्वास के साथ जो है आगे बढ़ता है। लेकिन जब राजनीतिक अस्थिरता आती, जैसे आपने देखा होगा जब यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ, तो उस समय शेयर मार्केट में बहुत तेजी से गिरावट आई और 2 से 2.5 सालों में किसी एक दिन में यह सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की। देखो, बेसिकली कहने का तात्पर्य यह है कि जब इकोनॉमी में जो है स्थिरता नहीं होती है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पर, जो इकोनॉमी में कोई अस्थिरता आती है या राजनीतिक हो या आर्थिक हो, तो उसका प्रभाव प्रत्येक देश पर पड़ता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के दौर में दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रभाव पड़ता है तो उसका जो है दुष्प्रभाव या सुप्रभाव, जैसे अगर कोई पॉजिटिव जो है चीजें हो रही हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा, कोई नेगेटिव जो है एक्टिविटी है तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए उस युद्ध का जो है भारत की भी जो है शेयर मार्केट पर और यहाँ की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा और एक दिन में बहुत ज्यादा शेयर में जो है गिरावट दर्ज की गई और 13,000 करोड़ रुपए तक का जो नुकसान लोगों को जो है हुआ। तो कुल मिलाकर के कितनी संभावनाएं जो है होती हैं, कितनी संवेदनशील होती है शेयर मार्केट की एक घटना जो है इसको जो प्रभावित कर देती है। धीरे धीरे आप इस चीज को देखते जाएंगे तो इस चीज तरीके से जो है समझ में आएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि स्टॉक मार्केट एक संगठित बाजार है,
यहां पर पूर्व में निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। तीसरी बात यह है कि यहां पर प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से जो पूंजी में वृद्धि नहीं होती है बल्कि उसके स्वामित्व का परिवर्तन होता है और संसाधनों का चैनलाइजेशन होता है। स्टॉक मार्केट में जो है शेयर तब तक बिक्री के लिए उपलब्ध रहते हैं जब तक उसको बंद नहीं किया जाता है, तब तक वहां पर जो है चलते रहते हैं जो है। तो ये व्यवस्था आप लोगों ने देखा जो है शेयर मार्केट के संदर्भ में। अब शेयर मार्केट में जो अब जो इस पूंजी बाजार के अंतर्गत जो है प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं और जिन प्रतिभूतियों के माध्यम से धनराशि एकत्रित की जाती है उसमें दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, एक जो होता है शेयर और दूसरा होता है ऋण पत्र डिबेंचर। शेयर और डिबेंचर कहा जाता है, शेयर और जो है ऋण पत्र, इन दोनों के ही माध्यम से पूंजी एकत्रित की जाती है। लेकिन शेयर जो है एक ऐसा जो है प्रतिभूति होता है जिसके माध्यम से कंपनी उस तरीके के पूंजी को एकत्रित करती है जिसे बेचने के बाद जो है उस शेयर को खरीदने वाला व्यक्ति उस कंपनी में जो है शेयर धारक हो जाता है और कंपनी के द्वारा प्राप्त किए गए लाभ और हानि के अनुपात में उसे भी लाभ और हानि प्राप्त होता है। यानी कि जो ये शेयर के माध्यम से जो है पूंजी प्राप्त की जाती है उसका लाभांश भी उस शेयर धारक को देना पड़ता है जो कि शेयर कंपनी में खरीदा होता है, और उसी तरीके से खरीदने वाले शेयर होल्डर को भी जो है उसमें फायदे और नुकसान की संभावना बरकरार होती है। जबकि ऋण पत्र जो है एक ऐसा माध्यम है पूंजी जुटाने का जहां पर एक निश्चित दर पर जो है उसमें पूंजी लगाने वाले व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है, यानी कि उसकी दर जो है निश्चित होती है चाहे कंपनी लाभ में हो या हानि में हो, इससे जो है उस पूंजी लगाने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी बिकती है या जो भी होती है उसका जो है पूंजी प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसको एक निश्चित दर पर जो है उसको जो लाभ देता ही देता है जो है, इसलिए बाजार और कंपनी के लाभ हानि का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बेसिकली ये शेयर और जो है ऋण पत्र में जो है आपको अंतर जो है पता चल गया होगा कि किस तरीके से जो है व्यवस्थाएं जो है चलती हैं। तो प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार के रूप में किस तरीके से जो है काम होता है ये चीज आप लोग जो है देख पाएंगे। यहाँ पर एक और चीज है कि शेयर मार्केट में जो है एक विशेष प्रकार की जो गतिविधियां है कि अगर कोई भी कंपनी का व्यक्ति है जो कंपनी की चीजों को जानता है, उसके इंटरनल पॉलिसी को जो जानता है, अगर उसके जानकारी का जो है दुरुपयोग करते हुए कोई व्यापारिक गतिविधियां जो करता है तो वो कहलाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर जो है ट्रेडिंग इसको बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग इसको जो है कहा जाता है। और इस इनसाइडर ट्रेडिंग से जो है बचने के लिए 2002 ईस्वी में जो है रूल बनाया गया है और इसके माध्यम से जो है व्यक्ति पर विभिन्न प्रकार के जो है प्रतिबंध जो है लगाए जा सकते हैं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का तात्पर्य यह है कि कंपनी के जो है इंटरनल इंफॉर्मेशन का जो है मिसयूज करते हुए यदि कोई भी व्यक्ति जो है अगर खरीद फरोख्त करता है तो वह जो है उस शेयर मार्केट के रूल का जो है वायलेशन है उल्लंघन की स्थिति में आता है, और इसके लिए जो है ये व्यवस्था जो है बनाई गई है। जो है भारत में शेयर मार्केट का जो विकास काफी पहले ही हो चुका है, बहुत पहले ही शेयर मार्केट का विकास हो चुका था। 1800 जो है यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये जो भारत सहित एशिया का बहुत ही पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 ईस्वी में इसकी जो स्थापना की गई थी, 1978-79 में इसके आधार वर्ष के साथ में जो है 1986 में इसके पहले सेंसेक्स जारी किए गए हैं। इसमें जो है संवेदी और जो है राष्ट्रीय स्तर के जो है सूचकांकों को जो जारी किया गया है, ये जो है 30 जो है कंपनियों को इनलिस्टेड करती है, ये जो 100 कंपनियों को जो है इनलिस्टेड जो है करती है, इस आधार पर जो है ये काम करती है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है बहुत ही पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है जहां से भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज की गतिविधियां जो है शुरू हुई मानी जाती हैं। इसके बाद जो है 1992 ईस्वी में फेरवानी कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर जैसे वहां बीएससी था वैसे यहां पे एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना की गई ताकि बीएससी की एकाधिकारवादी जो प्रवृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित कर सके। इस एनएससी का जो प्रवर्तक जो है
आईडीबीआई बैंक को जो है माना जाता है। ये बैंक जो आईडीबीआई बैंक इसका जो है प्रवर्तक है 1949 ईस्वी में जिसकी स्थापना किया गया था, और 1992 ईस्वी में ही जो है ओटीसीआई ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है यह लघु एवं मध्यम प्रकार के जो औद्योगिक इकाइयों से संबंधित जो स्टॉक एक्सचेंज है इसकी भी स्थापना जो है 1992 ईस्वी में जो प्रारंभ की गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में, ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला यह पहला जो स्टॉक एक्सचेंज वो किसी आई जिसकी स्थापना 1992 ईस्वी में जो की गई थी वो है, यानी कि लघु एवं मध्यम इकाइयों के जो है मूल्यों में उतार चढ़ाव को या उससे संबंधित जो है आर्थिक गतिविधियों को प्रदर्शित करने वाला जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है। और 2007 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा रेजिडेक्स नाम का भी जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है प्रारंभ किया गया है, और यह जो है आवासीय भूमि के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव को जो है दिखाता है, प्रदर्शित करता है 2007 ईस्वी में यह जो प्रारंभ किया गया। तो कुल मिलाकर के ये जो एक कहानी छोटी सी जो है इसके अंतर्गत जो बनती है, और राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ जो है जैसे यहाँ पर बीएससी है, एनएससी है, ये स्टॉक एक्सचेंज है जो है स्टॉक मार्केट के रूप में, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कई स्टॉक मार्केट के रूप में जो काम करते हैं, और उन स्टॉक मार्केट को भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है माना जाता है। जैसे इसमें जो है नैस्डैक है, डाउ जोन्स है, ये जो है यूएसए में जो है न्यूयॉर्क का है जो है, इसी तरीके से जो है फिटजी 100 ये जो है लंदन में जो है प्रचलित है, निक्की के नाम से जो है वर्ड ही लग रहा है तो ये जापान से संबंधित जो टोक्यो का है, मतलब जापान या इसको जो है टोक्यो आप कहेंगे, टोक्यो में जो है ये प्रचलित है। इसी तरीके से जो है हैंगसेंग हांगकांग का है, हांगकांग में जो है हैंगसेंग है, सिमेक्स सिंगापुर का है, सिमेक्स जो है सिंगापुर का है, सेट थाईलैंड का है, KLSE मलेशिया का, दक्षिणी अफ्रीका, कौशपी। तो इस तरीके से ये कुछ प्रचलित जो है स्टॉक एक्सचेंज हैं जो अलग अलग देशों में जो है कार्यरत है। इसी तरीके से मिपटेल जो है इटली में भी जो है काम करता है, मिपटेल ये जो है इटली में है, बोबेस्पा ब्राजील में है, कनाडा में जो है S&P, जर्मनी में मिडक्स, ये जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रचलित स्टॉक मार्केट हैं जो इन देशों में जो है संचालित हो रहे हैं। यहां से भी मिलान वाले जो है प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, चीजों को रुक करके एक दो बार आप लोग देखेंगे, ये कुछ प्रचलित इसके अलावा भी और हैं जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी मिलान में चार में कुछ दो तीन को प्रचलित पूछता है, एक दो को जो है कुछ अप्रचलित पूछ लेगा, लेकिन अगर आप मुख्य मुख्य देशों का जो पढ़ चुके हैं तो मिलान करने में भी आपको जो है आसानी होगी। चार में अगर एक नहीं भी आ रहा तो भी कर लेंगे, या दो नहीं आ रहा तो भी कभी कभी हो जाता है उत्तर, यद्यपि दो आने और दो ना आने की स्थिति में कई बार जो है समस्याएं भी होती है, लेकिन कई बार
उससे भी जो काम हो जाता है। तो कुल मिलाकर के कुछ महत्वपूर्ण है जो प्रचलित है, उनको आप जो जरूर आप लोग जो देखने का जो प्रयास कीजिए। अभी स्टॉक मार्केट की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जो सेबी बनाई गई है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में किया गया था और 1992 ईस्वी में इसको विधिक दर्जा जो है दे दिया गया। इसका मुख्य कार्य जो है स्टॉक मार्केट का विकास करना होता है। स्टॉक मार्केट का जो है ये जो विकास करता है, स्टॉक मार्केट को जो है मान्यता देता है, इसमें जो है निवेशकों के हितों को जो है सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है और ये जो कार्यवाहियां भी जो है करता है, अगर किसी भी जो है स्तर पर कोई लापरवाही की जाती है तो इसके द्वारा जो है उसमें कार्रवाई की जाती है। तो सेबी पर कई बार टिप्पणी भी लिखने को आ जाता है कि सेबी के किस प्रकार के रोल है। तो बेसिकली ये जो वित्तीय भारत की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत पूंजी बाजार में द्वितीयक बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट पर जो है नियंत्रण स्थापित करता है, उसकी गतिविधियों को कंट्रोल करने का काम सेबी के द्वारा किया जाता है और सेबी के स्तर पर ये सारे जो है काम संचालित किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से जो है आपको भारत की वित्त व्यवस्था के जो है द्वितीय बाजार यानी कि पूंजी बाजार के बारे में जो है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के बारे में जानकारी मिली होगी। भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज के क्या इतिहास रहे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली और वैश्विक स्तर पर जो प्रचलित आपकी स्टॉक मार्केट है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिली होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना है, पुनः अगले लेक्चर में हम कुछ और नई जानकारी लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।